मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे एक शख्स मिले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी है टियागो, ये अक्टूबर में ली है। मुझे तो भाई साहब लोग का नाम भी नहीं पता। तो आपका नाम क्या है? अभिनव सिंह। अभिनव सिंह, ये गाड़ी अभी कितनी चला ली आपने? अराउंड 10,000 चला ली है। तो अभी क्या कुछ हो गया क्या इसमें? नहीं नहीं सर, नॉर्मल सर्विस का है। यस, ये सीट कवर आपने कहाँ से लगवाया? ये एक्चुअली मैंने लोकल मार्केट से लगवाए थे, हमारे घर के पास है चौधरी रोड, कार पैलेस करके शॉप का नाम है। दोबारा सुना देता हूँ यार। ये देखिए, ये हम शुरू करते हैं। ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया? आफ्टर मार्केट है। और कितना पड़ेगा? काफी अच्छे लग रहे हैं। 5,000 बहुत अच्छा लग रहा है सीट वगैरह। तो ये बता दीजिए, गाड़ी आपने कब ली थी? अक्टूबर 2020 2020 में लिया था। अब ये करीब हो चुका है 6-7 महीने। और साथ में कहाँ कहाँ गए? मैं अभी रिसेंटली शिमला गया था। शिमला गए थे, पहले मथुरा से फिर शिमला। तो आपके शिमला का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्या गाड़ी अंडर पावर है वगैरह वगैरह, ये मैं पूछूंगा आपसे। पहले रीडिंग दिखा देते हैं, 9,950 ये हो चुका है और 247 एकरा और चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डैशबोर्ड, मैंने गाड़ी का सीट वगैरह दिखा दिया, बहुत अच्छा है। तो हमारे अभिनय भाई हैं, अभिनव सिंह हैं। तो आपकी एक जर्नी पूछ लेते हैं, ये गाड़ी जब आपने खरीदी थी ना, तो कौन कौन सी गाड़ी आपने कंसिडर की थी, एक बार आप पूछ लेते हैं। इससे पहले कौन सी गाड़ी आपके पास? सबसे पहले तो सबने मतलब सबसे रिकमेंड करते हैं कौन सी ले, सब पता नहीं शिफ्ट करते रहते हैं। चलो हमने सोचा इनकी भी सुन के देखते हैं। हम शिफ्ट पे जब गए, हमने उसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब सारी चीज, पहला जब कोई चीज लेता है डेप्थ में जाते हैं, तो उससे जब प्राइसेस वगैरह पूछे, सब इंटीरियर वगैरह चेक करा, तो मेरे को फिर लगा कि चलो ले लेते हैं। पर किसी ने रिकमेंड करा टाटा टियागो न्यू मॉडल, हमने जाकर चेक करा। और जब हमने चेक करा, मतलब हमें इतनी सेटिस्फाई चीजें मिली इसमें कि डिस्प्ले, पावर स्टीयरिंग, मतलब क्रूज कंट्रोल्स, जो कि शिफ्ट में मतलब खाली एक वॉल्यूम अप डाउन के लिए आता मेरे ख्याल से वो, कि और 3-4 चीजें और थी। फिर मामा के पास जैसे मैंने बताया था, उनके पास टाटा टिगोर है, उनका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, तो शिफ्ट से ही हुआ था। तो जैसे उन्होंने मतलब उसमें ठोकी तो फिर शिफ्ट बिल्कुल पिचक गई थी पूरी। अच्छा। मतलब पूरी डेड थी पीछे। तो ये कैसे, ये शिफ्ट के पीछे लगी थी या शिफ्ट के आगे से लगी थी? नहीं, पीछे से डिग्गी की साइड से, टिगोर से भाई स्टिक हो गई थी। तो उनकी टिगोर घुस गई उसमें पूरी, पीछे से शिफ्ट खत्म कर दी थी। और उनकी टिगोर में बस नॉर्मल स्क्रैचेस आए थे, इवन हेडलाइट भी नहीं फूटी उनकी। उसमें ये गाड़ी ली थी आपने? नहीं ली थी, नहीं तब नहीं ली थी, तब आपने दिखाई। तब फिर मामा ने जब बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ये हुआ था, उन्होंने बताया कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली क्या है। ये गिमिक नहीं है जो स्टार्स वगैरह है, ये गिमिक नहीं है। मैं हर किसी को कहता हूँ सेफ गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए हर किसी को। अच्छा, तो ये तो आपने बता दी। उसके बाद फिर आपने सब कुछ करने के बाद ये गाड़ी आपने चूज की? बिल्कुल। तो जब ये गाड़ी चूज की थी, आपने काफी R&D की होगी, देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, उसके बाद ही लिया होगा? क्विड और इसके बारे में आप बात करोगे तो गाड़ी में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्विड और इसमें सबसे पहली चीज पावर, क्योंकि इसका क्लच छोड़ते ही ऐसे भागती है ना गाड़ी। और क्विड में एक्चुअली बिल्कुल भी जाने थे, 1000 cc का इंजन तो उसमें बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि था इस। और दूसरा इसका पावर स्टीयरिंग, इवन मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं उंगली से इजीली रोटेट कर पा रहा हूँ खड़े खड़े में, बिल्कुल खड़े बिल्कुल खड़े खड़े बिल्कुल स्मूथ। इससे स्मूथ मैंने स्टीयरिंग नहीं देखा अभी तक कहीं भी लिटरली। और एडजस्टमेंट वगैरह इसमें सब सारी चीजें हो गई, और बिल्ड क्वालिटी है ही इसकी, और कंफर्ट भी, मतलब मैं काफी टॉल हूँ तो मेरी बिल्कुल हाइट का आपका हाइट क्या आपकी? 6 feet हाइट है। देखिए 6 feet में आराम से आराम से, और सबसे अच्छी बात है सीट एडजस्टेबल है, ऊपर कर सकता हूँ नीचे कर सकता हूँ, जैसे फादर और पैर में भी काफी जगह चलिए आराम से ड्राइव करवाता हूँ आगे पीछे एडजस्ट। गाड़ी के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया, और ये बता दीजिए कि आपने गाड़ी जब ली थी अक्टूबर में, टॉप मॉडल है, कितने की पड़ी थी आपको ये? अराउंड एक्चुअली हमारे एक्सचेंज करी थी मैंने गाड़ी की जो क्विट की थी, तो मतलब अगर वैसे प्राइस लगाए तो अराउंड 7 lakh थी। टॉप नॉच, अच्छा 7 lakh में।
तो आपको कभी लगता है लोग जैसे कहते हैं कि नॉइजी है, वाइब्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं, यू कैन फील इट। मतलब इतना गाड़ी में अगर आवाज नहीं रहेगी तो फिर गाड़ी तो फिर इलेक्ट्रिकल हो जाएगी ना? इलेक्ट्रिकल रहेगी। हाँ, देखिए आप जब तक आप थ्रॉटल नहीं दोगे और जो इंजन की आवाज नहीं आती तो मजा नहीं आएगा, तो फिर लोग मैन उसमें चले जाते हैं ऑटोमेटिक भी पसंद नहीं। यही चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं नॉइजी या वाइब्रेशन है, जो BS4 का था उसमें ज़रूर था, वाइब्रेशन था, नॉइजी था। मैंने 3 साल चलाई है वो, फिर भी मुझे परेशानी नहीं हुई क्योंकि उस प्राइस पे मुझे गाड़ी मिली थी जिस प्राइस पे इतनी सेफ गाड़ी मुझे मिली नहीं थी, ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया, अगर बहुत साइलेंट आपको गाड़ी चाहिए तो या इलेक्ट्रिकल लीजिए या ना EV ले लीजिए या फिर कोई हुंडई की गाड़ी ले लीजिए। थोड़ा होना भी चाहिए कि ताकि पता चले कि कार आपकी स्टार्टेड है कि नहीं है। बिल्कुल, कई बार होते हैं ऑन पे दोबारा स्टार्ट देता तो प्लग में प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ा लोग का ना एक सवाल रहता है कि इसको इसकी जो माइलेज है सिटी में आपको कितनी मिली है? माइलेज इसका अराउंड इंस्टेंट वैसे दिखाता है मेरे जो कैलकुलेटेड है बाय माय फादर, एक्चुअली इट्स 20 किलोमीटर सिटी में दे रहा है आपको। दे देता। और हाईवे पे कितना है? हाईवे पे थोड़ा ऊपर चला जाता है 25 अराउंड। हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला, इंजन ना दो टाइप का होता है। एक इंजन होता है जो कितना भी रगड़ लो वो माइलेज कभी नहीं देगा। एक दूसरे टाइप का इंजन होता है जो केपेबल होता है माइलेज देने का। ये टियागो, निक्सॉन ये गाड़ी है, माइलेज आपको दे सकती है, बशर्ते आपको ना ढंग से चलाना पड़ेगा और ट्रैफिक की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये हमने पता कर लिया कि चलो माइलेज आपको इतना मिल रहा है। और गाड़ी का ओवरऑल, अगर ओवरऑल बात करेंगे, सस्पेंशन, सीटिंग पोजीशन, कंफर्ट, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, आपको वो कैसा लगता है? कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 तो ज़्यादा ही दे देता, बल्कि 10 से और 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस बजट में। बिल्कुल, इस बजट में। क्योंकि जब हम शिमला गए थे एक्चुअली हमें लगा नहीं था कि इतना मतलब लोड उठा लेगी, मतलब इसके बिल्कुल इंक्लाइंड रोड। शिमला में कितने लोग गए थे आप लोग? 5 जने गए थे हम, 5 जने लोडेड गाड़ी, लोडेड गाड़ी, और आराम से कहीं भी आपको लगा कि अंडर पावर है या फिर परेशानी हो रही है? और एक वो बताता हूँ सीन, सुबह की बात है कि हम अपने रूम से निकलने के लिए तैयार थे, तो रूम सुन के जो पार्किंग रहती है आपको पता है बिल्कुल ही डिक्लाइंड रहती है। तो जैसे क्या होता है, जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट करी, शायद कुछ लोग कहते हैं कि पावर इंस्टेंट एकदम से उठानी नहीं चाहिए या फिर मतलब पावर नहीं रहती। मेरे भाई ने बस स्टार्ट मारा, सेल्फ मारा, गियर डाला और सीधा चढ़ गई बिना प्रॉब्लम करे, बिना प्रॉब्लम। मतलब मॉर्निंग में कि इंजन भी ठंडा है वहाँ पे, तो ठंड वैसी रहती है क्योंकि इंजन गर्म करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं, सेल मारा सीधा ऊपर। अब जो बंदा ये सोचता है कि अंडर पावर है, उनके लिए भी आंसर है। शिमला में 5 लोग लोडेड, इनको कोई परेशानी फील नहीं हुई। इससे पहले बहुत टियागो का मैं रिव्यू कर चुका हूँ यार, मैं बता चुका हूँ कि ये गाड़ी कितनी केपेबल है। और BS6 काफ़ी रिफाइंड हो गया, बहुत अच्छा, इसमें एक अच्छा कलर भी आ गया, ग्रीन कलर का, EV वाला, बहुत बढ़िया ग्रीन नहीं ब्लू कलर का, रिसेंट बहुत बढ़िया कलर आया, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो हमने ये बात कर ली पावर वगैरह, स्टीयरिंग का तो आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत पसंद है इसका स्टीयरिंग, मतलब मेरे भाई के पास एक वैगनार भी है, मैं जब भी उसकी कार से ड्राइव करके अपने आता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल ये लूज हो चुका है, खराब। और मैंने 3 साल टियागो चलाई थी और बेचने का मन बिल्कुल नहीं था यार। BS4 थी, लोग कहते थे नॉइजी है, वाइब्रेशन है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा वाइब्रेशन था, थोड़ा सा नॉइजी था, लेकिन मुझे गाड़ी उस वैल्यू, हर चीज़ का ना वैल्यू से हम लोग डिपेंड करते हैं। जितनी आप पैसे डालोगे ना, जितना आप शुगर चीनी डालोगे उतना चीज़ें अच्छी होंगी, मीठी होंगी। तो पैसे अगर ऊपर हैं तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी को कंसिडर करना जरूर बनता है ना। यू विल बी हैप्पी विद द कार, ये एक रिकमेंडेशन है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार टाटा कार को प्रमोट करो, टाटा ने पैसे दिए। आपको पैसे दिए टाटा ने? बिल्कुल नहीं, रैंडमली मेरे को, मैं बाहर कर रहा था अपनी गाड़ी लेने के लिए तैयार था, सर मिलते मेरे से पूछते हैं आपकी गाड़ी है, फिर आप बताया कि यूट्यूबर है, फिर ऐसे हमने बिल्कुल सर ने कैमरा निकाला, इंस्टेंटली वी स्टार्टेड द रिव्यू। और इनको कोई पैसे नहीं मिले, मुझे भी कोई पैसे नहीं मिले। देखो एक चीज है ना, हम लोग गाड़ी का रिव्यू वगैरह करते हैं, मैं मानता हूँ कि टाटा की गाड़ियाँ ज्यादा, क्योंकि टाटा के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सेफ कार्स भी हैं, तो मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन टाटा की तरफ है। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये 10 किलो का आम है, ये 20 रुपए किलो आम है, लेकिन आपको दोनों में कोई भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन सेफ गाड़ी हमेशा चूज कीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और सबसे चीज मेड इन इंडिया, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी प्रमोट करिए, इंडियन है तो। और चलिए गाड़ी तो आपने 10 इसको रेट कर दिया, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा लोग का सवाल रहता है, वो पूछना चाहूँगा, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है?
बहुत इजी। मैं सुबह आया था गाड़ी देने के लिए अपने, और शाम को मेरे को मिली गई बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइन कर रही है। अच्छा। जो जो प्रॉब्लम्स था ऐसा कुछ नहीं था। एक मतलब वो हैंडल रहता है ना ये पीछे का, ये लॉक हो गया था, मतलब इसमें कुछ अड़ गया था, डिग्गी खोलने का। अच्छा, डिग्गी खोलने का पीछे वाला, कुछ वायर अड़ गया था, तो उन्होंने ठीक कर दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी नॉर्मली। तो अगर सर्विस को जो यहाँ पे सब मोटर में आप सर्विस करा रहे हैं, तो अगर आपको आउट ऑफ 10 रेट करना तो कितना रेट करोगे? 10 out of 10। और एक बात, जब आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी जो परचेज करने का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा ही था मेरे लिए, तो नई गाड़ी रहती है, सब एक्साइटेड रहते हैं। तो डीलरशिप से आपको अच्छी तरह ट्रीट हुआ, फॉलो अप हुआ? एक्चुअली हमने खरीदी गाड़ी कहीं और से थी। अच्छा। मतलब दूसरा शोरूम था इनका ही था, मतलब एक्चुअली सैप का दूसरा वाला है मेरठ रोड पे। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से ली थी। वहाँ से ली थी। और आपका बाइक का एक्सपीरियंस अच्छा? बिल्कुल फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो गाड़ी के बारे में तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने, परफेक्ट। तो अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है इस बजट में, देखो अगर बजट ज्यादा तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन वीडियोस हमने बनाई हैं और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिलेगी। अगर इस प्राइस पॉइंट पे कोई गाड़ी लेना चाहता है तो क्या उसके लिए आप ये गाड़ी फिट है? बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप ऐसे अकेले तो ड्राइव करते हो, फैमिली होती है आपकी, और फैमिली के लिए आप सबसे ज्यादा सेफ रहते हो, उनके लिए प्रिकॉशन रखते हो, तो प्रिकॉशन के लिए आपको गाड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो की आई प्योर स्टील। थैंक यू दोस्तों, होप ये जो वीडियो है आप लोग को हेल्प करे गाड़ी चूज करने में। और थैंक यू बोलूंगा मैं अभिनव भाई जी का, एकदम उन्होंने हाँ कह दिया, उन्होंने कहा आई एम रेडी टू शेयर द एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार टाइम नहीं है वगैरह, बहुत ना कंफर्टेबल नहीं होता है। रियली वाना से थैंक यू। और इससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग गाड़ी लेना उनके लिए थोड़ा ईजी होगा, उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मेरे जैसे मेरे चैनल पर अगर उनको 50 या फिर 30 टियागो वाली एक्सपीरियंस मिल जाता है ओनरशिप का, तो कम से कम 30 में से अगर वो देखते हैं कि 20 लोग खुश हैं, तो लेना उनके लिए आसान हो जाएगा, डिसीजन बढ़िया हो जाएगा। तो यही था वीडियो दोस्तों, होप ये जो वीडियो आप लोग को हेल्प करे गाड़ी खरीदने में। आपसे दोबारा मुलाकात होता है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हंबल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।